नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों फट गया एलन मस्क का स्टारशिप SN10 रॉकेट। हालांकि SpaceX ने इसका कारण नहीं बताया, लेकिन एलन मस्क इस घटना से बिल्कुल चिंतित नहीं है। एलन मस्क की SpaceX कंपनी का स्टारशिप SN10 स्पेसक्राफ्ट का 3 मार्च को परीक्षण हुआ था। इस बार ये यान आसमान तक ऊंचा उड़ने के बाद नीचे आकर जमीन पर सफलतापूर्वक लैंड भी किया, लेकिन उसके 8 मिनट के बाद ही इसमें एक्सप्लोजन हो गया। इस विस्फोट से SpaceX के मालिक एलन मस्क बिल्कुल चिंतित नहीं दिखते हैं, वे अपने नतीजों से काफी संतुष्ट लगते हैं। खास बात यह है कि अब तक किए सभी 10 संस्करणों में यान में विस्फोट जरूर हुआ, इस बार एक खास तरह का अंतर देखा गया। ये तीसरा ऐसा यान है जिसने उड़ान में पूरी सफलता हासिल की। जहां SN8 और SN9 भी उड़ान के लिहाज से पूरी तरह से सफल रहे, इसी तरह SN10 की उड़ान तीसरी सफल उड़ान थी। लेकिन SN8 और SN9 नीचे आते समय जमीन से टकराए, लेकिन SN10 ने तो लैंडिंग भी सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी। लेकिन SN10 की कहानी यहां पर नहीं रुकी। लैंडिंग के बाद SN10 से कुछ लपटें निकलती दिखी और लैंडिंग के 8 मिनट के बाद ही एक विस्फोट हो गया और ये आग का गोला बन गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर SpaceX के रॉकेट में विस्फोट क्यों हो रहे हैं। SN10 के विस्फोट का फौरन कोई कारण सामने नहीं आया है। विस्फोट के 1 घंटे के बाद एलन मस्क का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टारशिप SN10 ने एक पीस में लैंडिंग की। इसके बाद अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि SpaceX टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। सफलता का सही पैमाना स्टारशिप उड़ानों का आम हो जाना ही होगा। इससे पहले ही स्टारशिप रॉकेट के परीक्षणों के बाद होने वाले विस्फोट पर एलन मस्क अपने ट्वीट को नजरअंदाज करते हुए दिखे। मतलब कि साफ है कि परीक्षण के दौरान और इस बार तो परीक्षण के तुरंत बाद ही होने वाले विस्फोट के प्रति एलन मस्क गंभीर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एलन मस्क का फोकस। उनका ध्यान परीक्षण से मिलने वाले आंकड़ों पर होता है, न कि उनके मिलने के बाद होने वाले विस्फोटों पर। SpaceX के परीक्षण बहुत ही नियोजित होते हैं और एलन मस्क भी जानते हैं कि ये परीक्षण अंतिम नहीं है। ऐसे में वे इन परीक्षणों को अंतिम परीक्षण की तरह नहीं देखते। इसके अलावा हर परीक्षण पिछले परीक्षण के लिहाज से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। जैसे पहले परीक्षण में एक ही राफ्टर इंजन का इस्तेमाल हुआ था, जबकि SN8, 9 और 10 में 3 राफ्टर इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। अभी SpaceX इस तरह के बहुत सारे परीक्षण करेगा। जाहिर है कि इसमें प्राथमिकता रॉकेट की सुरक्षा नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा की अहमियत कम हो ऐसा भी नहीं होगा। SpaceX अभी तक के परीक्षणों से खुश ना हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि इससे उलट एलन मस्क परीक्षणों से काफी संतुष्ट भी दिखते हैं। वे पहले एक बार कह चुके हैं कि उन्हें सफलता 23 या 24वें परीक्षण में मिल सकती है। SpaceX साल 2023 तक नियमित अंतरिक्ष उड़ान शुरू कर देगा। उसका साल 2026 तक मंगल पर करीब 100 लोगों को पहुंचाने का इरादा है। इसके लिए एलन मस्क ने गहन प्लानिंग कर रखी है। वे मंगल पर इंसान के रहने के लिए आने वाली तमाम बाधाओं को पार करने के लिए भी आश्वस्त हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर स्टारशिप SN10 रॉकेट की फटने की क्या वजह थी। दोस्तों आपको इस वीडियो के संबंध में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर आपको किसी नई स्पेस जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।